गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और आज का ब्लॉग आज ही जाएगा। आज मैं क्या करने वाली हूँ, हालांकि मैं उठी हूँ 6:30 बजे से और आधा मेरा काम हो गया है, क्योंकि नल चलते चलते जितना काम हो जाता है, जब पानी आता है तो पानी भर लेते हैं। कूलर में पानी भर लिया है, पीने का पानी भर लिया है, फ्रिज में बॉटलें भी भर गई हैं और चाय बनाकर भी पी लिया। आज श्रेया का फास्ट है, देखते हैं श्रेया क्या बनाती है, क्योंकि श्रेया खुद ही बनाएगी। अगर श्रेया को फ्रूट लाना होगा तो श्रेया से बोल देंगे, श्रेया फ्रूट लेकर आ जाएगी। हालांकि बच्ची में एक पता नहीं क्यों, मैं कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, कई दिनों से नहीं, कभी इसने बोला ही नहीं है। ये जैसे ये बोल देती है, जैसे मुझे मम्मी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, मम्मी मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, ये कभी भी ऐसा नहीं बोलती, मम्मी आज मुझे सेब खाने का मन कर रहा है, मम्मी आज मुझे जैसे एप्पल ऑरेंज बनाना ये सब हो गया, ये कभी फ्रूट के लिए नहीं बोलती है कि मुझे फ्रूट खाने का मन कर रहा है। कल भी मैंने इसी बात में इसे बोला था, मैंने श्रेया कभी कुछ खाने की इच्छा हो तो बता दिया कर, बोलती नहीं मेरी इच्छा नहीं होती है, बस यही चीज़ें खाने का मन करता है और चीज़ें मन नहीं करता खाने का। अब आज स्कूल जाना है इसे, और स्कूल इसलिए जाना है क्योंकि परसेंटेज अच्छे बने हुए ना, तो जो बैनर बनता है स्टूडेंट्स का, उनके पिक्चर्स लगती हैं, पिक्चर्स के नीचे परसेंटेज लिखे जाते हैं, हो सकता है मम्मी पापा का नाम लिखा हो, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट मेरी नज़र में अगर मुझे दिखाई देगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मैं मार्केट गई तो। और तो ये जाएगी स्कूल, वहीं से मैं बोल दूँगी फ्रूट लेते आना और जो भी ये बनाए अपने लिए। ज़्यादा ऑयली मैं तो खाने नहीं दूँगी, मैं सोच रही हूँ इसको जैसे मट्ठा हो गया ना, मट्ठा वगैरह और साबूदाना की खिचड़ी, ये दोनों आता है और बच्चे खा तो लेंगे पर दूसरे दिन फिर परेशान होंगे, यानी कि दूसरे दिन वो सूट नहीं करता ऑयल ज़्यादा। और अभी ये क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा? अच्छा सूट देख रही है, स्कूल अच्छा वाला ड्रेस देख लो, यानी सूट जो भी है वो देख लो। मैं श्रेया से बोल रही थी, श्रेया बोलती है मम्मी अलग से, अब देखो वहाँ पर पिक्चर अगर निकल पिक्चर लग रही है तो अच्छी पिक्चर दो ना, होनहार स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट जैसे पिक्चर दो। मैंने बोला ये नहीं, वो फैशनेबल वहाँ पर नहीं चाहिए पिक्चर। तो चलो यहाँ पर थोड़ा क्लीनिंग कर देते हैं, पानी वगैरह तो भर लिया था। कुकर में क्या छोड़ दिया? कुछ बना ही नहीं है। आज देखते हैं श्रेया अपने लिए क्या बनाती है और मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ। श्रेया अलग बनाएगी, मैं अलग बनाएंगी, आज दोनों जन अलग अलग अपना अपना खाना बनाएंगे। तो श्रेया यहाँ पर पूजा की थाली लगा रही है, भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र और फूल लेकर आई हुई है। तो फूल तो हमने पहले ही लाकर फ्रिज में रख दिए थे, और ये देखो यहाँ पर मेरी एक्टिंग कर रही थी वो, और उसके बाद वो अपनी पूजा की थाली लगा रही है। तो मैंने बोला चलो मैं चादर चेंज कर देती हूँ, तो मैंने चादर चेंज कर दिया, आज मैंने ये वाला बिछाया है, और उसके बाद जो चादर निकाला है वो मैं धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पर क्या है, चादर चेंज कर देती हूँ, श्रेया अपनी यानी मंदिर चल जाएगी, और वो बोले है मम्मी जल्दी से नहा करके मुझे कुछ बना दो, भूख लगने लगी। बच्चों का तो यही है ना, फास्ट अपनी जिद में तो रख ले रहे हैं पर उसे फिर भूख भी लग रही है। तो मैंने लिखा कोई ना, इसके मन के लिए यानी कि कर देते हैं। तो हमने ना जल्दी से, मैंने बोला चलो अपना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो नहा करके मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ जिसमें कि वो खा लेगी। बच्ची है, उसका मन रखने के लिए यानी कि भूख तो लगती है ना, और मैंने उसे मना किया था कि मत रखो पर उसने माना नहीं, तो कोई नहीं, अब उसे आराधना करना ही है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आंगन में झाड़ू लास्ट बची हुई थी, तो आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं हम। अंदर तो झाड़ू लगा ली थी मैंने, और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा करके और फिर कचरा मैं उठा ले रही हूँ। तो एक ना कार्टून का कवर टाइप का था, उससे मैं उठा रही हूँ, क्योंकि ना कचड़े वाला जो स्टैंड सा रहता है ना वो ना मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो टूट गया है, दोनों टूट गए, दो थे तो।
तो अब मुझे लेना होगा और मैं मंगवा ही नहीं पा रही हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पर आते हैं ठेले वाले तो, पर वो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हम लोग अंदर ही अंदर रहते हैं ना तो सब पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा करके मैं छत पर जा रही हूँ, वहाँ पर हम लोग इकट्ठा कचड़ा जला देते हैं पूरा। और फिर ये चादर वगैरह थे, कपड़े थे, तो मैंने बोला चलो इनको साफ में भिंगो कर रख देती हूँ, फिर अभी धो लूँगी और उसके बाद फिर नहा कर आप लोगों को मिलूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं धोऊँगी चादर है ना, और श्रेया ने नहाया, श्रेया के कपड़े भी हो गए, तो अब मैं जा रही हूँ वहीं के वहीं, फिर नहा धो कर के आऊँगी और क्या बनाना है फिर मैं देखूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहाकर आ गई हूँ और मैं किचन में मैंने आलू बॉयल कर दिए हैं, यहाँ पर तैयारी हो गई। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि वो पूजा करने गई है तो मैंने बोला चलो मैं ही बना देती हूँ कुछ उसको खाने के लिए। साबूदाना मैंने लेट भिंगोया अभी, तो फिर वो शाम टाइम खा लेगी, और अभी कुछ मैं बोल दूँगी उससे, फ्रूट वगैरह ले आएगी क्योंकि बच्ची है ना, और उसने यानी उसे करना है पूजा और व्रत रखना है। तो मैंने तो बहुत मना किया था मैंने कि मत कर, पर वो इस चीज़ के लिए अब ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ, जब साबूदाना हमारे भिंगे नहीं थे ना तो हमने बोला अभी झटपट से यही बनेगा। साबूदाना मैंने भिंगो दिया था, तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है, आलू भी बॉयल हो गए हैं, एक टमाटर लिया है, दो तीन मिर्च ली हुई है, मूँगफली हो गया, थोड़ा सा चिप्स पापड़ निकाल लिया है मैंने, तो ये तैयारी मैंने कर ली थी, उसके बाद ही मैंने आप लोगों के साथ बातें की है। तो मैं इंडक्शन में ही बनाऊंगी ये खिचड़ी, पर बहुत खांसी आने लगी थी जब मैंने यानी जो ये सब्जी बनाई थी, एक प्रकार से ना इसको बोलते हैं फलाहारी आलू की सब्जी, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। इसके साथ दही या मट्ठा होता है ना तो और भी प्यारी लगती है। जब हमारे साबूदाना किसी के पास ना हो या साबूदाना भिंगो कर नहीं रखे हैं तो हम जल्द में यही बना सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं ना ऑयल देख रही थी, क्योंकि ऑयल तो रखा हुआ है पर जो हमने यूज नहीं किया है वो ऑयल मैं इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि जब हम लोग ये फलाहार कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो इसमें ना साफ शुद्ध वाला ऑयल यूज करते हैं, यूज करा वाला नहीं, क्योंकि आप डेली यूज कराता है, कभी ज़्यादा कम हो जाता है तो उसी में डाल देते हैं, तो और भगवान जी को भोग भी लगना है, इसलिए मैंने फिर नया देखा। तो श्रेया ने रख दिया था, मुझे पता नहीं था कौन से डब्बे में है, तो बस मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पर मैं टमाटर और मिर्च कट कर ले रही हूँ, सारी तैयारी करके ही फिर बनाऊँगी। और यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था और उसके बाद मैंने मूँगफली पहले फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं जो ये पापड़ है ज़्यादा ही नहीं फ्राई किए थे क्योंकि गर्मी है ना नुकसान करेगा, इस कारण से थोड़े ही किए थे मैंने। तो ये देखो ये मैंने घर में बनाए हुए थे, और उसके बाद ये चिप्स है, तो थोड़ा सा ना ऑयल यानी कि जो ठंडा हो गया था तो चिप्स ऐसे ही सिके हैं, अगर थोड़ा सा तेज ऑयल होता है ना तो अच्छे बढ़िया से सिक जाते, पर कोई नहीं मैंने निकाल लिया था। और श्रेया को अच्छा लगेगा, घर की चीज़ें बनी हुई अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा निकाल लिया, मसालेदानी में जीरा था पर वो यूज नहीं कर रही हूँ मैं, जब भी सामान जो भी चीज़ खाने की बनाती हूँ ना उपवास के लिए तो वो सारी कुछ अलग रहती हैं, साफ शुद्ध वाली जो हम डेली डेली जो मसालेदानी में रखा रहता उसको यूज नहीं करते, अलग डब्बे का निकालती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च डाल दी है, उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दे रही हूँ, तो ये सब्जी की जो ग्रेवी एक प्रकार से तैयार हो जाएगी। इसमें हम फलाहारी जो नमक रहता है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी, और जो साबूदाना भिंगो कर रखे हुए हैं उसको मैं शाम के टाइम बना दूंगी तो वो खा लेगी वो। तो ये देखिए यहाँ पर जो मूंगफली मैंने फ्राई करके रखी हुई थी तो वो भी मैंने यहाँ पर मिला दी, तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है। भगवान जी के दर्शन कराने के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों को, श्रेया आ गई थी मंदिर में तो ये प्रसाद सबको बांटा हुआ था तो मैंने भी ले लिया थोड़ा सा, और भगवान जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, भोग भी लगा दिया था, और ये देखो आज तो फूलों से सजे हुए हैं भगवान जी हमारे। यहाँ पर श्रेया को मैंने दे दिया था तो श्रेया खा रही है, और ये है मेरा खाना जो कि मैंने बनाया था, आलू टमाटर की सब्जी रोटी और ये अचार है। तो ये देखिए बिना अचार के खाना तो अधूरा होता है, तो ये देखिए मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। श्रेया गई है स्कूल, करीब 2 घंटे हो गए हैं
और मुझे सोना है। वीडियो देखो कैसा बन रहा है, काला काला सोना है। और मैं उसे कॉल की हूँ कि तुम आ जाओ जल्दी से, मुझे सोना है। तो बोल रही है अब सो जाओ ना। उन्हें नहीं, तुम आओ तब सोएंगे, जल्दी आओ। तो आ रही है अभी। आप लोगों से बोला कि मैं सोऊंगी और जैसे ही मेरी नींद लगी वैसे ही श्रेया ने मुझे जगा दिया, यानी 10 मिनट हुआ होगा। तो फिर मेरी नींद नहीं लगी, एक बार टूटी तो दोबारा ना लगने वाली। तो मेरे बर्तन धुल गए हैं। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन धो दिए हैं और मैंने अपना चेहरा भी धो लिया और बहुत गंदा लग रहा था मेरे को। मैंने चाय वाय भी बना कर पी ली है। श्रेया आने वाली है, श्रेया कोचिंग गई है तो आने वाली है ना। मतलब चाय का बर्तन यहीं पर रखा रहा, मैं सारे बर्तन धोकर आ गई, यहाँ पर चाय का बर्तन रखा हुआ है। तो श्रेया आ जाए, मैं सोच रही वीडियो का एंडिंग यहीं पर कर दूँ, पर थोड़ी बातें करूँगी फिर करूँ।